अभी तक जो हम लोगों ने देखा तो उसमें भी भाई फिजिकल लेयर के बारे में देखा, क्या कहते हैं डाटा लिंक लेयर के बारे में देखा, नेटवर्क लेयर के बारे में देखा, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में देखा, सेशन लेयर के बारे में, प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में देखा। लेकिन अगर हम इन 6 लेयर की बात करें तो ये जो 6 के 6 लेयर हैं, इससे यूजर का कोई मतलब नहीं होता। बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो 6 लेयर की हम बात कर रहे हैं, लोअर लेयर की, ये जो 6 लोअर लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 6 लोअर लेयर हैं, इनसे यूजर का कोई मतलब नहीं होता। यूजर का तो मतलब होता है केवल और केवल एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग एक तरीके से जब हम लोग वो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जावा में, समझिएगा थोड़ा सा, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जावा में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीजें हाइड होंगी और कौन सी चीजें यूजर देख सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें क्या दिखता है कि यूजर को केवल एप्लीकेशन लेयर दिखता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर पे जो वर्क होता है केवल वो यूजर को दिखता है, और उसके नीचे के जो सारे वर्क है, यानी कि अगर बात करें प्रेजेंटेशन की, सेशन की, ट्रांसपोर्ट की, नेटवर्क की, डाटा लिंक की और फिजिकल लेयर की, तो ये उससे उसका कोई खास मतलब नहीं होता, ठीक है ना। और उसकी फंक्शनिंग से उसका कोई मतलब नहीं होता। उसका जो मेन मेन जिससे उसका मतलब होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है ना। क्योंकि यूजर जो भी रिक्वेस्ट भेजनी होती है या जो भी उसको रिक्वेस्ट, जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना, या कोई भी वेब पेज को वो खोलना चाहता है, तो वो सब कुछ वो किस पे बैठ के करता है, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है ना। तो अब वो उसको उससे कोई मतलब नहीं होता कि भाई अब वो एप्लीकेशन लेयर पे वो चीजें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, ठीक है ना। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, तो भाई आपको ये समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई अगर कोई बंदा नॉर्मल बंदा बैठा हुआ है, अगर वो सिंपल कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है, तो अगर मॉनिटर पे ए भी, अगर वो ए टाइप कर रहा है, मॉनिटर पे ए लिख के आ जा रहा है, तो मतलब क्या है कि उसका 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 फंडा सॉल्व है भाई, कि मुझे जो लिखना था वो लिख गया। लेकिन अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपको ये भी समझना होता है कि भाई क्यों अगर हमने ए प्रेस किया तो वहाँ पे ए किस तरीके से आया। ठीक उसी तरीके से अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो हमें ये पता है कि भाई यूजर जो नॉर्मली यूजर है उसको तो एप्लीकेशन लेयर से मतलब है, क्योंकि उसको जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलना है, जो भी रिक्वेस्ट वो कर रहा है, जो भी उसको रिस्पांस मिल रहा है, वो सब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट है, तो फिर उसका ये भी मतलब उसको ये भी जानना पड़ता है कि भाई ये किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर पे डाटा पहुंच रहा है। तो वो नीचे के लेयर्स के बारे में भी वो पढ़ता है, समझता है और देखता है कि किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर पे हमारा डाटा पहुंच रहा है, ठीक है। तो आइए एप्लीकेशन लेयर के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, थ्योरी है कि इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई लेयर, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन वेरियस वेज इज डन दिस लेयर विच इनेबल यूजर और सॉफ्टवेयर टू गेट एक्सेस टू द नेटवर्क। सम सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस लेयर इंक्लूड ईमेल ट्रांसफर फाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजल्ट टू यूजर डायरेक्टरी सर्विसेज नेटवर्क रिसोर्स etc, ठीक है ना। यानी ईमेल फाइल ट्रांसफर करना, रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें किस पे होता है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे ये परफॉर्म होता है। फिर अगर इसके बाद देखें तो द एप्लीकेशन लेयर कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर कॉमनली नीडेड बाय यूजर्स। वन वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज HTTP, ठीक है। हमने जब आपको ओएसआई लेयर के मतलब ओएसआई लेयर के सातों लेयर बताई थी तो मैंने वहां पे मेंशन किया था कि बगल में कौन कौन सा मतलब किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो हमने देखा था कि भाई जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, जैसे कि TCP पे, TCP लेयर पे UDP और आपका TCP, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका UDP और TCP, ये दो प्रोटोकॉल यूज होते थे। इसी तरीके से और सारे लेयर्स पे भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते थे। तो ठीक उसी तरीके से अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, लेकिन जो एक मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर पे होता है वो क्या है, आपका HTTP, जिसका नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, विच इज द बेसिक ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। Then a browser want a web page, it send the name of the page it want to the server using HTTP. The server then send the page back. यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, client सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो
एप्लीकेशन लेयर होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। किस पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करने का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि हम जो हमारा हमारे कंप्यूटर में जो हमारा वेब ब्राउजर होता है, ठीक है ना, तो जो हमारा वेब ब्राउजर होता है वो एज अ क्लाइंट काम करता है। कैसे काम करता है? एज अ क्लाइंट, ठीक है ना। यानी कि अगर हमने गूगल क्रोम, मोजिला या फिर यूसी ब्राउजर, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं आज की डेट में, अगर हमने किसी भी कोई भी ब्राउजर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो ब्राउजर कैसे काम कर रहा है? एज अ क्लाइंट काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एज अ क्लाइंट काम करने का मतलब क्या है कि भाई हमको अगर कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज खोलना होगा, ठीक है ना, तो हम उसके एड्रेस बार में जो भी है, देखिए नाम है उसका एड्रेस बार, लेकिन हम उसमें क्या लिखते हैं? नेम, ठीक है ना। तो हम उसके एड्रेस बार में क्या करेंगे कि भाई सिंपल जो है वो मतलब कि उसके जैसे हमें जीमेल खोलना है तो हमने gmail.com लिख दिया, ठीक है ना, www.gmail.com। तो अब gmail.com क्या है? जीमेल तो है एक डोमेन नेम, ठीक है ना। तो हमें हम आगे पढ़ेंगे कि एक डोमेन नेम सर्वर भी होता है जो नेम से उसको आईपी अलॉट करता है, क्योंकि नेम कोई एड्रेस नहीं है, एड्रेस तो आईपी ही है। तो पर्टिकुलर जितने भी नेम है ये डोमेन नेम है और इनका एक आईपी एड्रेस होता है। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है कि उस आईपी एड्रेस से उस नेम से उस आईपी एड्रेस को फेच करता है, मतलब कि मैप करता है, और फिर वो आईपी एड्रेस के थ्रू हम पर्टिकुलर उस सर्वर पे पहुंचते हैं जिस सर्वर पे हमें जाना है या जिस पेज को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम अगर जैसे कि हमने क्या कहा कि जो हमारा वेब ब्राउजर है वो एज अ क्लाइंट काम करता है, तो उसके एड्रेस बार पे जैसे ही हम कोई एड्रेस लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है कि वो उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है, ठीक है, कहां तक पहुंचाता है? सर्वर तक। और फिर सर्वर जो है वो अपने डाटाबेस में उसको सर्च करता है उस पेज को, ठीक है, या फिर उस एप्लीकेशन को, और वो वापस उसको किसको लाके देता है? क्लाइंट को, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो एक पहले ब्राउजर क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को, और फिर सर्वर क्या कर रहा है कि उसको रिस्पॉन्स दे रहा है क्लाइंट को। तो अगर हम देखें तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है ना। उसके अलावा हम और देखे दीजिए तो अदर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट आर यूज्ड आर फाइल ट्रांसफर। देखिए इसमें बहुत सारे मतलब कि जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है TFTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, SMTP, ठीक है, टेलनेट है, डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल है हम सबके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इन सारे प्रोटोकॉल का वर्क क्या है और कैसे ये यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकी थ्योरी और इनका जो वर्क स्ट्रक्चर है उसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये काफी टाइम में पूछे जाते हैं। तो आइए ये इसको हम थोड़ा सा यहाँ इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा तो एप्लीकेशन लेयर इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द इंटरनेट मॉडल। हमें पता है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो मतलब कि OSI लेयर में सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, जहाँ पे यूजर जो है वो कम्युनिकेट करता है। दूसरी चीज क्या है कि ये देखिए अलाउ पीपुल टू यूज द इंटरनेट, मतलब क्या है कि एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? इट इज अलाउ टू पीपुल टू यूज द इंटरनेट, मतलब कि किस तरीके से आपको इंटरनेट जो भी यूज करना है वो एप्लीकेशन लेयर करता है। एप्लीकेशन लेयर के अलावा कोई और लेयर है तो वो इंटरनेट को एक्सेस आपको नहीं दे सकता, मतलब कि इंटरनेट पे यूजर वहां पे बैठ के काम नहीं कर सकता। वो जो इंटरनेट पे यूजर बैठ के काम करेगा वो केवल और केवल एप्लीकेशन लेयर पे करेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको अगर ये स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो अगर ये अगर पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन लेयर भाई सबसे ऊपर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा ये यूजर है, ये एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है ना। तो ये जो यूजर जो है, अगर हम एक तरीके से कहें तो एप्लीकेशन लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर या नीचे के ट्रांसपोर्ट लेयर से के बीच में इंटरमीडिएट का काम जो है वो एप्लीकेशन लेयर का है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो यूजर है और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है नीचे, यानी या ट्रांसपोर्ट लेयर कह लीजिए, चाहे उसके ऊपर का प्रेजेंटेशन लेयर, चाहे सेशन लेयर कह लीजिए, इन सब के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है वो इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है? आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन लेयर कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक है ना, वो एप्लीकेशन लेयर पे ही हम यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और एड्रेसिंग, ठीक है ना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? देखिए भाई प्रेजेंटेशन लेयर पे हमने कल बात की थी तो हमने कहा था भाई कि देखिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसमें होता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो वेब पेज खोलता है जिसमें आप पासवर्ड डालते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे ही होता है,
ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर पे आप जब डाल देते हैं तो जब वो अगली लेयर पे जाता है तब उसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन फंडा जो आपको जहां पे आपको पासवर्ड डालना होता है वो काम आप एप्लीकेशन लेयर पे ही करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के जितने भी एप्लीकेशन आपको यूज करना है, ठीक है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो अगर उन एप्लीकेशन को आपको यूज करना है तो जो वेब के थ्रू आप जो यूज करते हैं वो भी आप एप्लीकेशन लेयर पे ही करते हैं। एड्रेसिंग मतलब वही चीज भाई, जैसे जीमेल हमें खोलना है, याहू खोलना है, या फिर कोई और यूट्यूब खोलना है, ठीक है ना। तो ये सब का सब क्या है कि भाई यूट्यूब कहें, जीमेल कहें, याहू कहें, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है ना, इनका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो हम जब भी जीमेल या यूट्यूब डालते हैं तो वो पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू, मतलब उसका एड्रेस पहले मैप होता है और उसके बाद फिर वो उस एड्रेस के थ्रू पर्टिकुलर सर्वर पे जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम किसके थ्रू होते हैं आपके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम कहाँ यूज होते, कहाँ पे होते हैं आपके, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए हम इस फिगर को ध्यान देंगे कि एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। जैसा कि मैंने बात कहा कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के मॉडल पे डिपेंड है, मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल के हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के हिसाब से काम करने का मतलब क्या है कि जैसा कि अगर आप एक इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा, सपोज कीजिए ये क्लाइंट है, सर्वर है, सर्वर का डाटाबेस और बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। तो अगर क्लाइंट को, बात समझिएगा, अगर क्लाइंट को कोई डाटा फेच करना है किसी साइट से, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर क्या करेगा कि डाटाबेस में उसको अपनी सर्च करेगा और जैसे उसको वो इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो एज अ रिस्पांस जो है वो क्लाइंट को दे देगा, ठीक उसी तरीके से। या कोई मतलब क्वेरी करता है अगर क्लाइंट, तो सर्वर उस क्वेरी को पहले अपने डाटाबेस में सर्च करके उस क्वेरी को का रिजल्ट निकालेगा और उस रिजल्ट को फिर वो एज अ रिस्पांस जो है वो क्लाइंट को दे देगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कोई एप्लीकेशन का हमें यूज करना है तो भी क्या करना है, सर्वर पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन को खोजेगा, बहुत सारे एप्लीकेशन है तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को खोजेगा और उस एप्लीकेशन को एज अ रिस्पांस जो है वो फिर से क्लाइंट को दे देगा। तो अगर आप प्रोसेस देखें तो यहाँ पे क्या है भाई, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्योंकि एक क्लाइंट है जो सर्वर को मतलब एक क्लाइंट है यहाँ पे जो सर्वर को बार बार मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और एक सर्वर है जो क्लाइंट को रिस्पांस भेज रहा है, ठीक है ना। अगर क्लाइंट सर्वर को जब तक रिक्वेस्ट नहीं भेजता है तब तक सर्वर अपना शांति से एक्टिव मोड में बैठा हुआ है। एक्टिव मोड में मतलब क्या, एकदम तैयार कि कोई भी मुझसे कोई क्वेरी पूछे जो मेरे अंडर में आता है तो मैं उसकी रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। तो तब तक वो वेट करता है जब तक उसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आती, ठीक है ना। जब तक उसके पास रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक वो वेट करता है और जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वैसे ही वो रिप्लाई करता है और देन उसके बाद फिर से वो वेटिंग मोड में चला जाता है अगले रिक्वेस्ट का इंतजार करने के लिए, ठीक है ना। तो हम इसी को क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये जो मैंने आज ये बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। उसके बाद से फिर एक ये आप लोग को समझ में आ रहा है ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। देखिए है बच्चों ये थ्योरी, बस कॉन्सेप्ट है जो अगर एक बार आपके माइंड में अगर बैठ गया ना ये कॉन्सेप्ट क्या है तो फिर उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आप आसानी से, ठीक है, आप इसकी थ्योरी लिख लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पूछेगी, आपको जरा से भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई भी पूछता है कि भाई ये क्या क्वेश्चन में पूछता है कि ये क्या है तो तुरंत आप बता सकते हैं कि मतलब ये इस तरीके से हम मतलब कि ये क्लाइंट मतलब कि ये एप्लीकेशन लेयर क्या होता है भाई, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, मतलब ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है, यूजर सारा वर्क एप्लीकेशन लेयर पे ही करता है, नीचे की सारी लेयर से उसका कोई मतलब नहीं होता, यूजर का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसको मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर पे किस चीजें कैसे चीजें मैनेज होती हैं, ठीक है ना। और किस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल अगर हम कह रहे हैं तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं हमेशा सर्वर को और सर्वर हमेशा हमें एक रिस्पांस भेजता है, इसीलिए हम इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। तो और आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, कि एप्लीकेशन लेयर के कौन कौन से एप्लीकेशन है, ठीक है ना। थोड़ा तो आइए देख के समझते हैं एप्लीकेशन लेयर के कौन से एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देखिए एक समझने के लिए एक सेकेंड, ये देखिए अगर एप्लीकेशन लेयर की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है यानी कि ईमेल, ठीक है, जिसको मतलब कि जो हम लोग भेजते हैं चाहे वो किसी भी थ्रू जीमेल के थ्रू भेजे याहू के थ्रू भेजे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या कहते हैं एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो अच्छा एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर,
तो एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो सबसे पहले क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करें तो जैसे कि जीमेल, याहू, यानी जो भी इंफॉर्मेशन जो है हम इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। उसके बाद से नेट न्यूज का मतलब क्या है, नेट न्यूज का मतलब क्या है कि भाई जो भी न्यूज, समझ रहे हैं, न्यूज का मतलब क्या है कि भाई जो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें इंटरनेट से एक्सेस करना है तो वो हम नेट यूज का या यूज नेट का यूज करके हम उस इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी क्या है कि एक तरीके से जो हम अलग अलग पेजेस को सर्च करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही हम अलग अलग पेजेस को सर्च कर पाते हैं। ये तो कॉमनली आप लोग बार बार इससे तो आप लोग फैमिलियर ही होंगे क्योंकि इसका यूज आप लोग बार बार, मतलब इसका नाम भी आप लोग बार बार सुनते हैं और हर जगह आप लोग यूज करते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो www आप लोग सबसे पहले लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेब है और ये किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए, सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद से फिर अगर हम बात करें मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोग इसमें मल्टीमीडिया की बात करें तो कौन कौन सी चीजें मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया के 5 कंपोनेंट्स है, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट, एनिमेशन और ग्राफिक्स, ठीक है। तो 5 कंपोनेंट्स जो ये मल्टीमीडिया के हैं, तो ये जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन या जो डाटा है उसको हम इसी एप्लीकेशन लेयर पे ही हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर अगर दूसरे को भेजना हो तो इसी एप्लीकेशन लेयर पे ही हम उसको अटैच करके भेज सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब कहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं। उसके बाद से फिर अगर आप बात करें रिमोट फाइल ट्रांसफर एंड एक्सेस, तो यानी कि अगर किसी फाइल को अगर हमें, या किसी फाइल को अगर हमें रिमोटली एक्सेस करना है, ठीक है ना, या तो वो भी कहाँ पे होगा, आपके एप्लीकेशन लेयर पे ही होगा, ठीक है ना। भले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उसको एक्सेस करने के लिए जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक हम कहाँ से उसको एक्सेस कर पाएंगे, और वो कनेक्टिविटी तभी होगी जब नीचे की जो लेयर्स हैं, यानी कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये सब जो नीचे के अगर जितने भी, अगर इनके मतलब इनके अकॉर्डिंग जो मतलब की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर है होगी तभी हम उसको जो है वहां पे, अगर मतलब कहने का मतलब क्या कि ये जो नीचे क्लियर है अगर ये प्रॉपर तरीके से आपस में अटैच और कॉन्फ़िगर्ड होगी तभी हम जो है हम उसको जो है मतलब कि वो यूज मतलब कि उस पर्टिकुलर फाइल को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि रिमोटली एक्सेस जब करना होगा वो तो हम एप्लीकेशन लेयर पे ही करेंगे ना, वो किसी और लेयर पे तो कर नहीं सकते, तो ये भी एप्लीकेशन लेयर का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा इसको, ये सब देखिए, ये सब क्लाइंट सर्वर मॉडल का ही एग्जांपल है। देखिए जैसे मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर होप्स आपको समझ में आ जाए तो, जैसे क्या सपोज कीजिए एक यूजर है, ये सर्वर है मान लीजिए, तो अगर हमें सपोज कीजिए जीमेल के थ्रू हमें किसी दूसरे यूजर को अगर इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, सपोज कीजिए कि एक जीमेल ये क्लाइंट है और एक ये दूसरा बंदा है, अगर हमें जीमेल के थ्रू इसको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो होगा क्या एक्चुअल में, हम क्या करेंगे जीमेल का यूज करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करेंगे तो वो सीधे यूजर तक नहीं जाएगा, वो पहले जीमेल के सर्वर पे जाएगा, ठीक है ना। फिर जीमेल का सर्वर जो है वो उसको वहां तक सेंड करेगा और जो यूजर है जिसने सेंड किया है उसको एक सेंड का एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ आपका इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड हो गया है। यूजनेट की बात करें, जैसे सपोज करो कि आप किसी न्यूज चैनल को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो न्यूज चैनल को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, जैसे आज तक हो गया, चाहे दैनिक जागरण हो गया, चाहे कोई भी न्यूज चैनल या फिर किसी चैनल के अखबार को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उसका नेम लिख के एंटर करेंगे तो क्या करेगा भाई, वो उस न्यूज चैनल के पेज को, होम पेज को ओपन कर देगा और उसके बाद से फिर क्या कहते हैं कि आप आसानी, और उसके बाद से जैसे क्या है कि आपने उसको एज ए रिक्वेस्ट भेजा कि आज तक का न्यूज पेपर मतलब कि हमें चाहिए, तो वो सर्वर क्या करेगा एज ए रिस्पॉन्स जो है वो आपको आपके वेब ब्राउजर पे आज तक या फिर जो भी चैनल है उसका न्यूज, उसका जो होम पेज है वो आपके वेब पेजेस ब्राउजर पे एज ए रिप्लाई दे देगा, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो सेम वही चीज है भाई, हर चीज को सर्च करने के लिए विदाउट वर्ल्ड वाइड वेब के हम सर्च नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे पेजेस हैं, सपोज कीजिए तो किसी भी पेज को अगर, जैसे न्यूज चैनल की बात कर लीजिए तो वहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पेज को अगर हमें सर्च करना है तो भी हमें वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद से अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है कि भाई सपोज मल्टीमीडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप यूट्यूब को ले सकते हैं,
तो YouTube पे भी क्या है कि आपको जब कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई वो पहले YouTube सर्वर पे जाएगा, YouTube सर्वर जो है फिर वहां पे अपने डाटाबेस में उसको सर्च करेगा, देन वो आपको रिक्वेस्ट देगा, ठीक है ना। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी यही काम है, पहले हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, देन हमको वो सर्वर रिप्लाई देगा, तभी हम रिमोटली उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो हमें क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं हम इन्फॉर्मेशन को मतलब कि रिक्वेस्ट को हम पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है यूजिंग वेब ब्राउजर, क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा कहां से भेजेगा, वेब ब्राउजर के थ्रू ही तो भेजेगा रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और फिर सर्वर उसको रिप्लाई दे रहा है, तो समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं, क्या कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्यों, क्योंकि यूजर जो है अपना रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर जो है उसको रिप्लाई दे रहा है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि ये जो हमेशा चल रहा है, हर बार चल रहा है, जैसे आप अभी जीमेल खोलना चाहते हो तो पहले जीमेल को आप रिक्वेस्ट भेजोगे, जब वहां से वो रिप्लाई भेजेगा तब आपको वो होम पेज मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर किसी बैंक की साइट को खोलना चाहते हो तो आप पहले रिक्वेस्ट भेजोगे एड्रेस बार के थ्रू, मतलब वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में उसका नाम डालोगे, उसको सेंड करोगे एज अ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, सर्वर फिर आपको रिप्लाई देगा कि वो वेब पेज खुल जाएगा। अगर उस समय उसका सर्वर अगर अंडर मेंटेनेंस में है तो आपको लिख के भेज देगा नाउ दिस टाइम दिस इज अंडर मेंटेनेंस, देन ट्राई लेटर, ठीक है ना, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो सेंड कर देगा। लेकिन क्या है कि भाई हम पहले रिक्वेस्ट ही भेजेंगे, देन हमें रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर ये सब आपको समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा और देखते हैं। वही सेम चीज, फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें तो देखिए, जो वही मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, क्या फिर यूज नेट, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो समझ रहे, वो एक अगर आप समझ गए ना तो आपको ये यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से उसको लिख लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा समझने की बात करें तो जैसे लिखा है मेल सर्विसेज, तो मेल सर्विसेज की बात करें तो क्या लिखा हुआ, सॉरी मेल सर्विसेज में क्या लिखा हुआ, दिस लेयर प्रोवाइड द बेसिक फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज, वही जो मैंने ईमेल के बारे में अभी ऊपर बताया। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इट अलाउ अ यूजर टू लॉग ऑन टू अ रिमोट होस्ट, द एप्लीकेशन क्रिएट सॉफ्टवेयर इमुलेशन और अ टर्मिनल एट द राउटर होस्ट, सॉरी रिमोट होस्ट, यूजर कंप्यूटर टॉक टू द सॉफ्टवेयर टर्मिनल विच इज टर्न टॉक्स to the host and vice versa, then the remote host believe it is communicating with one of its own terminal and allow user to log on, ठीक है ना। तो यानी जो रिमोटली रिमोट के बारे में बता रहा था, रिमोट एक्सेस के बारे में बता रहा था, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्टरी सर्विसेस, ठीक है ना, दिस लेयर प्रोवाइड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सर्विसेस, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस ये देखिए फाइल ट्रांसफर में, तो इट इज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू एक्सेस फाइल एंड मैसेजेस, इट यूजेस सॉरी मैनेजेस इट, यूजर कैन एक्सेस फाइल एंड अ रिमोट कंप्यूटर एंड मैनेज इट, दे कैन आल्सो रिट्रीव फाइल फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। तो अगर आप इस थ्योरी को अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, या तो आप इस थ्योरी को पढ़िए या तो जो ये फंडे हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये चीजें आप इसको अगर समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो आप ये एप्लीकेशन है वो फीचर है, सेम चीज है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप इसको आसानी से, अगर आप एक बार अगर आपको ये सब सारी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो आपको फिर ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको थ्योरी पूछेगी, आप पॉइंट बाय पॉइंट जो आपको आपने समझा है अगर आप उसको लिख देते हैं तो वो एकदम करेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये आपको दिख रहा होगा, तो मतलब क्या है कि भाई यूजर जो है वो एप्लीकेशन पहले सेंड करता है एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट है वो सेंड करता है, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू होता हुआ आगे बढ़ जाता है, और जब उसको रिस्पांस मिलता है तो वो भी जो क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू एप्लीकेशन लेयर पे आता है और एप्लीकेशन लेयर से वो यूजर को मिलता है, ठीक है। डिजाइन इशू विथ एप्लीकेशन लेयर, ये सारी चीजें देखिए लिखी हुई है, पैटर्न लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब कि किस पैटर्न की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए एप्लीकेशन लेयर पे, मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए किस पैटर्न की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, उसका डिजाइन सर्विसेज का डिजाइन पैटर्न क्या होना चाहिए, इंटरप्राइज मैंने किसी भी उद्योग के हिसाब से एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसके डिजाइन इश्यूज हैं एप्लीकेशन लेयर के, ठीक है। इसको आप या तो इस तरह से रट के लिख दीजिए, और या तो फिर अगर आप समझ सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई डिजाइन इश्यू का मतलब क्या है कि भाई जो एप्लीकेशन लेयर का काम है, ठीक है ना, तो अगर कोई इशू आएगा तो उसी काम में ही आएगा,
ठीक है ना, जो उसका फीचर है, जो उसका वर्क है, ठीक है ना, जैसे रिमोटली फाइल एक्सेस करना, ठीक है ना, सर्वर तक रिक्वेस्ट को पहुंचाना क्लाइंट की, ठीक है ना, तो अगर इशू भी आएगा तो इन्हीं सब चीजों में इशू आएगा, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से उसको बनाना होता है, इस तरीके से हमें उसको कॉन्फ़िगर करना होता है, उसका उसको मतलब उसका आर्किटेक्चर तैयार करना होता है कि ये सारी चीजें जो एप्लीकेशन लेयर का वर्क है, जो उसके फीचर्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए।